क्रिकेट के मैदान में इनकी करिश्मा तो हम देख चुके हैं, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में भी यूसुफ पठान का करिश्मा हमने देखा है। अधीर रंजन चौधरी को हराने के बाद आपको जायंट किलर का जो ख्याति वो दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। ममता बनर्जी ने 1984 में जायंट किलर का मॉनिकर जो है वो जीते थे, बड़े व्यक्ति राजनीति में हराकर। आप भी एक बड़े व्यक्ति जो कई सालों से राजनीति में है, उस टर्म से, उस क्षेत्र से एमपी है, उनको हराया है, क्या महसूस कर रहे हैं पहली बार इस जीत के बारे में? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी मुझे दिया गया था यहाँ पे लोगों के लिए काम करने के लिए, अब मैं उनके लिए काम करूँगा, तो वो सोच के और वो फील करके बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये इनिंग्स शुरू होने जा रहा है, तो गार्ड लेने से पहले क्या थॉट्स है? कोई थॉट्स नहीं है, जो थॉट्स थे वो सारे ख़त्म हो चुके। अब बैटिंग करने जाना है, गार्ड लेना है और बैटिंग करना स्टार्ट करना है। तो अब ये है कि जो लोगों से बातें की है मैंने और जो समस्याएं उनकी सुनी है, तो उसके ऊपर काम करना है और लोगों के लिए आसानी करनी है। क्या आपका अधीर चौधरी से कुछ बात हुए है जीत के बाद? क्या उन्होंने आपको अभिनंदन देने के लिए कुछ बताया है, फ़ोन वोन किए हैं? नहीं, मेरा बात तो नहीं हुआ उनसे, लेकिन आपने जैसा सवाल किया तो मैंने उनको आपके माध्यम से ही बेस्ट विशेज भेजा के उनको, कि उनके जो लंबे करियर रहा पॉलिटिक्स में, तो अब वो नेक्स्ट कहीं पे भी जाएंगे, वो जो भी काम करेंगे, तो उसके लिए उनको बेस्ट विशेज मैंने भेजे और अभी भी मैं आपके माध्यम से उनको बेस्ट विशेज भेजता हूँ। क्या ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से कोई बातचीत हुआ है जीत के बाद? उन्होंने क्या कहा आपको? ममता बनर्जी ने क्या कहा, अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा? जी, जीत के बाद मेरा बात हुआ था उनसे, बहुत खुश है और बहुत बहुत बधाइयाँ दी मुझे और कहा कि आप अभी घर जाइए, घर पे पिताजी को अपना अपना सर्टिफिकेट उनके हाथ में दीजिए, उनसे आशीर्वाद दीजिए और फिर से वापस आ जाइए। बहरामपुर के लिए बहुत काम करने और बंगाल के लिए बहुत काम करने हैं आपको, तो बहुत खुश है। ममता दीदी भी बहुत खुश है, अभिषेक बनर्जी ने भी बहुत बधाई दी।